हाय नमस्कार, मी गौरव मालक। सकाळच्या अनप्लग पॉडकास्टमध्ये आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत। मंडळी, अभिनय क्षेत्र हे आपल्या सगळ्यांच्या अत्यंत जवळचं असतं, आवडीचं असतं। या क्षेत्रामध्ये आपण जावं, करिअर करावं असं आपल्यापैकी अनेकांना वाटलं असेल। असाच काहीसा विचार करणारी एक अभिनेत्री सध्या माझ्यासोबत आहे, मात्र ती जरा हटके आहे। हटके आणि का असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, त्याचं कारण असं आहे की आजपर्यंत या अभिनेत्रीने भोजपुरी सिनेमे असतील, हिंदी सिनेमे असतील, हिंदी मालिका असतील, या सगळ्यामध्ये काम केलेलं आहे। मराठीशी मात्र तिचा कधीही संपर्क आलेला नाही, तिला मराठी नीट बोलतासुद्धा येत नाही। असं असलं तरी सुद्धा ती आपल्याला मराठी चित्रपटामुळे मध्ये झळकताना बघायला मिळणार आहे। पुष्कर जोग दिग्दर्शित मुसेफिरा या चित्रपटाच्या माध्यमातून ती आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येते आहे। मी सध्या बोलतो आहे ते म्हणजे स्मृती सिन्हा या अभिनेत्रीबद्दल, आणि ती सध्या माझ्यासोबत आहे। तिचा अभिनय क्षेत्रातला नेमका प्रवास कसा सुरू झाला होता आणि मराठीमध्ये ती कशी आली, मराठीचं वातावरण तिला कसं वाटलं, या संदर्भात आज मी तिला बोलतं करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। स्मृती दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सकाळ डिजिटल के इस अनप्लग पॉडकास्ट में। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सकाळ सुन रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इस अभिनय क्षेत्र की, वो कैसी थी, वो प्रयास क्या था, बताइए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एक्चुअली मुंबई आई थी MBA पढ़ने, लेकिन हाँ, सिलेक्शन हुआ मेरा एक शॉपिंग मॉल में, मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने देखा था एंड ही ऑफर्ड मी अ मूवी। तो वैसे मुझे भोजपुरी फिल्म मिली थी एंड वो अभी तक, लाइक पिछले 10 साल से मैं भोजपुरी कर रही हूँ और हिंदी टीवी सीरियल्स भी किया है, हिंदी मूवी में एज अ गेस्ट गाना भी किया है गणेश आचार्य जी के साथ। तो ये चल रही थी मेरी लाइफ ऐसी और 10 साल मैंने भोजपुरी मूवी की है, 10 साल से कर रही हूँ। अब मैंने अपना स्टार्ट किया वापस से मराठी में। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा सोचा था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है पहले से ही? नहीं, ऐसा क्योंकि मैं बिहार बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा ही वो होता है, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, उस टाइम पे देते थे पेरेंट्स। और ये सोचना भी, क्योंकि मैं, मेरे पापा रिटायर्ड DSP हैं, तो वैसे माहौल से आती हूँ, लाइक पुलिस वालों के घर से, तो उन वहां पर ऐसा वो सोचना भी थोड़ा ऐसा होता था कि हीरोइन बनेगी, तो ये सोच भी कभी नहीं आई थी, कभी ये थिंकिंग भी नहीं थी मेरी। बट हाँ, मैं जब मैं मुंबई आई और मुंबई MBA ही पढ़ने आई थी, मैं अपने मैं भागलपुर शहर बिहार से हूँ, तो वहां से मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है, तो मैं ग्रेजुएट हूँ बायोटेक में। और अब मैं जब, हाँ जी, जब मैं मुंबई आई तो उसके बाद फिर अचानक ऐसे ही मुझे ऑफर हुआ और मैं भोजपुरी फिल्मों का सफर मेरा शुरू हो गया। तो उस टाइम पे, हाँ, वो वैसे ही फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, लाइक मेरी फर्स्ट मूवी के बाद एक तरह से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, बिकॉज पहली मूवी तो मिल गई ऐसे, लेकिन बाद में फिर स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है यहाँ आने के बाद। सही है, सही है। घर से ऐसा, हाँ, नहीं बोला था आपको कि क्या अभिनय क्षेत्र में क्या है, पढ़ाई कर, अच्छा बन कुछ तो? बिल्कुल, बहुत बहुत बार बोला था। इनफैक्ट एक फिल्म करने के बाद मुझे, क्योंकि मैं, मेरा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं फिल्मों का, पूरे खानदान में पहली लड़की जो कि फिल्म में फिल्म कर रही थी, तो ऐसा हो गया था कि लाइक एक साल तक मेरी मम्मी मुझे रोज फोन करके सिर्फ यही बोलती थी कि वापस से MBA कर लो और जॉब कर लेना। तो लेकिन, हाँ जी, अभी तो, अभी जब देखते हैं घर वाले, अभी मम्मी पापा देखते हैं, उनका दृष्टिकोण अभी क्या है स्मृति की तरफ देखने का? अभी अभिनय क्षेत्र में ग्लैमर मिल रहा है, सब कुछ है, अभी क्या है उनकी सोच, क्या है? अभी तो दे आर हैप्पी, लाइक उनको भी समझ आ गया है कि मैंने उनको भी बोला कि अब ऐसा हो गया है कि मैं, मुझे और कुछ आता नहीं इस फील्ड में काम करने के अलावा,
मैंने क्योंकि यहाँ पर अपना 100% दिया है, और वो भी मुझे देखते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ और हर किरदार को निभाती हूँ, तो लोग मतलब पसंद करते हैं, तो इसलिए अब वो लोग बहुत संतुष्ट हैं मेरे डिसीजन से। क्या बात है दीदी। मैं अब जी आता हूँ मराठी के ओर। आप भोजपुरी कैरेक्टर से बिलोंग करती है, भोजपुरी फिल्में आपने की है, मराठी में आना चाहिए ऐसे आपको क्यों लगा, क्या था वो प्रयास क्या था? हाँ, इसकी भी स्टोरी है और अच्छी है। मैं अपनी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी लंदन में, और वहां पर पुष्कर जी अपनी मराठी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और वहां पर मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक था कि हाँ, अगर करूं मराठी फिल्म तो व्हाई नॉट। और उस समय पुष्कर जी एक नॉन मराठी फेस ढूंढ रहे थे मुसाफिरा के लिए, तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि इफ यू विल बी इंटरेस्टेड। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र में रहकर भी मैं मराठी फिल्मों से जुड़ू, इससे अच्छा मुझे मौका नहीं मिलता। तो बिल्कुल, मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने मुझे पूछा भी कि मराठी लैंग्वेज के साथ आप कितनी कंफर्टेबल हो, तो मैंने बोला कि भोजपुरी भी मेरी लैंग्वेज नहीं थी, बट आई लर्न इट करके एंड आई हैव बीन डूइंग दिखाया, दिस सिंस। करके तो येट अगेन चैलेंज, अब मराठी करूंगी, व्हाई नॉट। दिखाया। ये जो वाई नॉट है, उस वाई नॉट से डर नहीं लगा आपको कि मेरा मराठी बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी वगैरह, ऐसा कुछ डर नहीं लगा? कि वाई नॉट, ये ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपने? कोर्स। ये मुझे तो लगता है ये मेरे पापा से और मम्मी से आता है कि मुझे कुछ नया करना है, और हमेशा जो भी चैलेंज मिले वो उसको पूरा करना है। बट यस, इसमें मुझे बहुत बहुत मदद मिली, और एज अ डायरेक्टर पुष्कर जी ने बहुत हेल्प की मुझे। लैंग्वेज में भी वर्कशॉप्स हुए फिल्म के, और बाकी सारे आर्टिस्ट के साथ जब मैं मिलकर वर्कशॉप पे हम लोग जब अपने डायलॉग्स रिहर्स करते थे, तो उस टाइम पे भी सब मुझे बहुत हेल्प करते थे। मैं अगर कहीं पर थोड़ा चूकती भी थी तो बाकी सब बहुत हेल्पिंग थे, बहुत अच्छे से उन लोगों ने मुझे एक तरह से बोलो तो पैम्पर किया, वेलकम किया, वेरी वॉर्म वेलकम। क्या बात है दीदी। हिंदी फिल्मों में आपने काम किया, सीरियलों में काम किया, भोजपुरी में काम किया, अभी मराठी, हिंदी मराठी और भोजपुरी मराठी में कंपैरिजन अगर करते हैं हम लोग, तो एटमॉस्फियर कैसे था वहां पे मराठी में? बहुत अच्छा था। एक तो मतलब एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है मराठी इंडस्ट्री की और मराठी लोगों की, कि वो अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा कि चाहे आप किसी भी ग्रेड से, लाइक किसी भी जगह से आ रहे हो, छोटे शहर गांव से आ रहे हो या बड़े शहर से, बड़े यूके और स्कॉटलैंड के भी लोगों से मिली मैं जो मराठी हैं, वहां भी लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं। अपने लैंग्वेज में बात करना, अपने लैंग्वेज में ही एक दूसरे से जब भी मिलते, किसी दूसरी मराठी से मिलते हैं तो अपने लैंग्वेज को से ही बात करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग इन मराठी। तो ये एक अपने लैंग्वेज से जुड़े रहना और उसको प्यार करना, ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मराठी इंडस्ट्री इज कंटेंट ड्रिवन, यहाँ कंटेंट अगर आपका बहुत अच्छा है तो हर कोई देखेगी देखेंगे आपकी फिल्म, और सब उसका ये करते हैं, लाइक तारीफ होती है। और क्या बात हमारी है दीदी। इंडस्ट्री जो है, हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अभी भी स्टार ड्रिवन है। हाँ, बढ़िया, तो एक बहुत बेसिक मुझे ये, हाँ, डिफरेंस दिखा। दीदी मराठी के कुछ शब्द अगर आप बोल पाती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मराठी थोड़ा बोल लीजिए ना, डायलॉग वगैरह वैसे कुछ। जी मैं कोशिश कर सकती अरे हूँ। मुझे नहीं माफ करना अगर गलती होगी तो, आप मुझे सुधार नहीं देना। मी मराठी फिल्म केली
आणि मी खूप खूप खुश आहे. क्या बात है दीदी, अच्छा बोलू. मला खूप छान वाटते. मी इतका बड़ी फिल्म केली, लाइक वेरी मुसाफिरा फिल्म केली. क्या बात है, बोल लेती आप, अच्छी बोल लेती है. मुझे लगता है कि मराठी जो श्रोता है, प्रेक्षक है, दर्शक है, वो आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना आपको हिंदी में प्यार मिला. दीदी ऐसा कुछ खास था कि मुझे बहुत बहुत आसान नहीं लगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो मैं अच्छे से करने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं यार अच्छा था, अच्छा किया. लेकिन करने से पहले ऐसा था कि यार कर पाऊंगी या नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ सीन था? हर बार ऐसा लगता था क्योंकि मराठी मेरे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज थी तब तक. तो ऐसा क्योंकि मैंने बहुत लाइक जब से मैं इस फिल्म से जुड़ी थी, जब से मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई थी, तब से मैं डेली अपने स्क्रिप्ट को मगअप करती थी. उसके पीछे मैं डेली कम से कम 1-2 घंटे बैठकर मराठी याद करती थी, मराठी में अपने स्क्रिप्ट को. और वहां पहुंचने के बाद फिर ऐसा लगा कि काम जल्दी हो गया, बिकॉज मैं वहां पर पहले मैंने अपना वर्कशॉप कर लिया, पहले मैंने उसको टाइम दिया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली. तो जो सिर्फ मुझे थोड़ा काम करना पड़ता था वहां पर कि वो करेक्ट इमोशन, बाकी लैंग्वेज को मैंने बीच में मैंने पूरी कोशिश की कि बीच में लैंग्वेज ना आए. क्या बात है दीदी, अब सिनेमा तो आने वाला है, वो फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आने वाले जो दर्शक है वो दर्शक में से कई लोग ऐसे हैं कि मुझे अभिनय क्षेत्र में जाना है, ऐसे युवा है, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कभी भी किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहें, और तैयारी हर दिन होती है, लेकिन आपको मेहनत हर दिन करनी पड़ती है. ऐसा नहीं कि जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तब आप मेहनत करोगे, ये नहीं सोचना है, आपको तैयार रहना है किसी भी चैलेंज के लिए. तो हाँ, अभी जैसे मैंने जब ये सोचा कि मुझे मराठी फिल्म करनी है, तो मैं क्योंकि मेरा सर्कल कभी मराठी का रहा नहीं है, तो मैं फिर वैसे लोगों को ढूंढती हूँ और मैं फिर उन लोगों से मराठी में बात करने की कोशिश करती हूँ. उनको बोलती हूँ आप जितना हो सकता है मेरे से मराठी में ही बात करो, ताकि मैं यूज टू हो जाऊं मराठी लैंग्वेज की. तो आप हाँ जी, तो डेली लाइफ में आप मेहनत करना कभी ना छोड़ें. सही है, सही है दीदी, और इसी मेहनत के बलबूते आप इस स्तर पर आ चुकी है, और आगे भी आपका प्रयास जो है जारी रहने वाला है. हमारी ओर से और सभी दर्शकों की ओर से आपके जो आगे वाले प्लान है इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया और बातचीत की. तर मित्रांनो, विशेष खामकर या स्मृती सिन्हा आहे ज्यांनी सांगितलं की आपण जर ठरवलं एखाद्या क्षेत्रामध्ये जायचं आणि मनाची इच्छा असली ना, तर आपण निश्चितपणानं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जाऊन स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करू शकतो. माणसाकडे एखादा वेड्यासारखा गुण असला ना, तो शहाण्यांच्या वेड्या दुनियेत जगायला बळ देतो, हे खऱ्या अर्थानं स्मृती सिन्हा यांच्याकडनं शिकण्यासारखं आहे. आज इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी सकाळ डिजिटलच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला फॉलो करायला विसरू नका. नमस्कार. नमस्कार. वाचा, बघा आणि आता ऐका आणखी बातम्या esakal.com वर. तुम्ही हा पॉडकास्ट ई सकाळच्या वेबसाईट आणि ऍप वर सुद्धा ऐकू शकता. विसरू नका या पॉडकास्टला आपल्या आवडीच्या पॉडकास्ट ऍप वर सबस्क्राईब किंवा फॉलो करायला.